चलिए हम लोग देखते हैं, सोल्डरिंग देख रहे हैं। सोल्डरिंग में हम लोगों ने पढ़ा हार्ड सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर। अब इसके बाद से हम लोग सोल्डरिंग में एक पेस्ट यूज होता है। पेस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद से आप पेस्ट लेते हैं, फिर सोल्डरिंग करते हैं। किसी भी धातु को जोड़ना है, किसी भी मेटल को जोड़ना है, तो आप सोल्डरिंग पेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। आज उसी पेस्ट को हम पढ़ने वाले हैं, और उस पेस्ट को हम इंजीनियरिंग भाषा में फ्लक्स बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। और इस फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोल्डरिंग क्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने करने के लिए फ्लक्स नामक अधात्विक मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह चूर्ण अथवा लेई पाउडर और पेस्ट के रूप में उपलब्ध होता है। ठीक है, ये देखिए सोल्डरिंग प्रक्रिया, सोल्डरिंग प्रक्रिया या क्रिया, जो सोल्डरिंग प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो सोल्डरिंग प्रोसेस है, उसमें हम अधात्विक मिश्रण, अधात्विक मिश्रण का यूज करते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं या पाउडर बोलते हैं। हिंदी में चूर्ण कहिए और लेई कहिए, यूज होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस फ्लक्स का यूज करने का क्या पर्पज है, ये कौन सा काम करता है। ठीक है, फ्लक्स हम क्यों यूज करते हैं, इसके हमारे क्या फायदे हैं, इनका वर्किंग प्रोसेस देख लेते हैं, मतलब उनका काम क्या है ये देख लेते हैं। वर्क ऑफ फ्लक्स, यह जोड़ी जाने वाली धातु की सतह के ऑक्सीकरण को रोकता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन, जो है जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है किसी सतह पे, ठीक है, तो वो नहीं होगा इस फ्लक्स का इस्तेमाल करने से। ठीक है, अब यह जोड़ पर पिघलाए गए शोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। जैसे कि शोल्डर, जो हम लोग शोल्डर यूज कर रहे थे सोल्डरिंग में, शोल्डर यूज कर रहे थे सोल्डरिंग में, जैसे हार्ड शोल्डर, सॉफ्ट शोल्डर, वो हम लोग पढ़े, ये वाला शोल्डर जो, चाहे हार्ड वाले में चाहे सॉफ्ट वाले में, तो जो भी हम शोल्डर यूज कर रहे हैं, शोल्डर यूज कर रहे हैं, तो वो जब हम किसी वायर को या किसी भी मेटल या धातु को जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम शोल्डर यूज कर रहे हैं, और शोल्डर जब गर्म करते हैं, सोल्डरिंग आयरन जब सोल्डरिंग आयरन गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद से हम क्या करते हैं, पेस्ट भी लेते हैं और शोल्डर लेके और हम किसी भी धातु को जोड़ते हैं, तो उस समय जोड़ते समय देखते हैं हमारा क्या होता है, शोल्डर पिघलता है, शोल्डर पिघलता है, शोल्डर अलग अलग उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अलग अलग शोल्डर का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। हम लोगों ने पढ़ा था हार्ड वाले के लिए अलग, सॉफ्ट वाले के लिए अलग, तो वो शोल्डर जब पिघल रहा है तो शोल्डर के बहाव, शोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है। मतलब जब वो पिघलेगा और पिघल कर वो बहेगा किस पे, मतलब जो धातु हम जोड़ रहे हैं, जो धातु हम जोड़ रहे हैं, सोल्डिंग कर रहे हैं, तो उस पे वो पिघलेगा तो उसमें बहाव आएगा, फ्लो आएगा, तो उसमें जो फ्लो है उसमें क्या करता है, सुगमता प्रदान करता है। सुगमता प्रदान करता है कौन, फ्लक्स, यानी कि उसमें उसके बहाव में हेल्प कर रहा है, उसको बहने में सहायता कर रहा है। एक बात और क्या है, फ्लक्स जोड़ को साफ करता है, जोड़ को, जोड़ जो होता है जहाँ जोड़ है वो, उसको साफ भी करता है। ठीक है, उसको साफ करता है। यह शोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता भी प्रदान करता है। ये जो फ्लक्स है शोल्डर को पिघलने में सहायता प्रदान करता है, कैसे, ये मतलब होता है, देखिए इसमें उष्मा को जॉब तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायक होता है। यानी कि जब ये फ्लक्स होता है, ये जॉब मतलब, जॉब का मतलब ये हुआ कि जो चीज हम जोड़ रहे हैं, जो जैसे दो तार जोड़ रहे हैं, या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे कोई डायोड ट्रांजिस्टर हम माउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि जो वायर है, जो मेटल है, उसके ताप को बढ़ा देता है, मतलब ताप को सुगमता, ताप मतलब उष्मा को जाप तक शीघ्रता से पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। एक तरीके से कहिए, शोल्डर जब यूज करते हैं तो वो
जो आपके टेम्परेचर्स को बढ़ा देता है। जब गर्म होगा तभी तो वो एक दूसरे से सही तरीके से कनेक्ट हो पाएगा, मतलब सोल्डिंग हो पाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लक्स उसके टेम्परेचर्स को बढ़ा दे रहा है, तभी जाके हमारा शीघ्रता से कनेक्ट हो पाएगा। यह सतह पर जंग लगने से बचाता है, जो सतह है उस पर जंग ना लगे, इससे ये क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है, उस पर जंग नहीं लगने देता है। देखते हैं, यह जोड़ की मजबूती प्रदान करता है, यह जोड़ की मजबूती भी प्रदान करता है, यानी कि ये जो जोड़ हम बना रहे हैं उसमें ये मजबूती भी प्रदान कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्लक्स, अब इसके कितने टाइप्स हैं ये देख लेते हैं। तो कोरोसिव फ्लक्स है, कोरोसिव फ्लक्स में, जिन फ्लक्स में क्षार मतलब बेस तथा फ्लक्स अम्ल एसिड की मात्रा होती है उन्हें कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है जिस फ्लक्स में, फ्लक्स भी कई तरीके से होंगे, ठीक है, एक है कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स, दो तरीके से हैं। तो कोरोसिव फ्लक्स में अगर उसमें क्षार ये यानी कि बेस अम्ल एसिड की मात्रा, मतलब बेस और एसिड की मात्रा अगर उस फ्लक्स में उपस्थित है, उनको बोलेंगे हम कोरोसिव फ्लक्स। जैसे कि हम बता रहे हैं जिंक क्लोराइड होता है, इसमें क्षार और अम्ल की मात्रा होती है, तो इनको हम किस में रख रहे हैं, कोरोसिव फ्लक्स में रख रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम क्लोराइड भी, ये क्या है, इसमें क्षार और अम्ल की मात्रा होती है। अब देखिए, इसमें कोरोसिव फ्लक्स में एक तो ये हो गया कि कोरोसिव फ्लक्स में क्षार और अम्ल की मात्रा है, तो इसको हम बोल दिए कोरोसिव फ्लक्स है। अब दूसरा हम बोलते हैं नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, इसमें क्या होगा, अम्ल और क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। अब इसमें क्या होगा, नॉन कोरोसिव फ्लक्स में अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती है। अब ये देखिए, ये धातु को काफी क्षति पहुंचाने में, देखिए अगर ये हम कोरोसिव फ्लक्स यूज कर रहे हैं तो कहने का मतलब सस्ता पड़ेगा ये, लेकिन जैसे हर जगह यूज नहीं होगा, ठीक। ये क्या कर रहा है कि मतलब धातु को काफी क्षति पहुंचाते हैं, जैसे धातु पर जंग लग सकता है, ये मतलब इस टाइप के फ्लक्स का यूज कर रहे हैं तो वो जंग को नहीं रोक पाता है ज्यादा देर तक, मतलब उसमें कुछ समय के बाद से जंग लगने का डर बना रहता है, ठीक है। और नॉन कोरोसिव फ्लक्स में अम्ल और क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, इनको नॉन कोरोसिव फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये जैतून का तेल हो गया, तारपीन का तेल हो गया, रेजिन हो गया, बोरेक्स आदि, इसमें बोरेक्स हो गया, तारपीन का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, इसमें अम्ल और क्षार की मात्रा नहीं होती है, ये धातु को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाती। यानी कि हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये क्या करता है, धातु पर जंग नहीं लगने देता है, धातु पर जंग नहीं लगने देता है, इससे ये हमारा बेनिफिट है। अब देखिए, अलग अलग धातुओं के लिए हम अलग अलग फ्लक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्लक्स के क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या क्या घटक हैं, ये देख लेते हैं। जैसे हमें तांबा को जोड़ना है, तांबा का धातु है उसको हमें जोड़ना है, तो इसमें हम इस्तेमाल कर लेंगे जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं रेजिन होता है। देखिए कभी कभी इस एग्जाम में अगर ज़्यादा डीप से क्वेश्चन बनाता है, मल्टीपल क्वेश्चन आप लोगों का आता है ITI में ज़्यादातर, ठीक है, तो या कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी अगर कभी डीप में पूछना हो तो ये पूछ देता है कि सोल्डरिंग के समय जो हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं, अगर वो तांबे का अगर कोई है धातु उसको जोड़ना है तो हम कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो जिंक क्लोराइड हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और रेजिन, इसका इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम के लिए पूछ देगा अगर मल्टीपल क्वेश्चंस बनाता है एल्यूमिनियम के लिए कि
कि कौन से फ्लक्स के घटक का यूज करते हैं, तो स्टीरीन, वेरोजा या EYRE नंबर 7, आयरी नंबर 7, ये याद रखिएगा, ये ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है। आयरी नंबर 7 का इस्तेमाल हम एल्युमिनियम में करते हैं, एल्युमिनियम के धातु को सोल्डरिंग करने में आयरी नंबर 7 का यूज करते हैं। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि एल्युमिनियम के लिए आयरी नंबर 7 हम याद रखेंगे। अब जैसे जस्ता को जोड़ना हो तो जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, गन मेटल हो तो बेरोजा और जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, गन मेटल के लिए बेरोजा और जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। पीतल का जोड़ना हो तो वहां पे कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरोजा का इस्तेमाल करेंगे। सोना और चांदी है, सोना और चांदी को हमें अगर कनेक्ट करना है तो उसमें सुहागा बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे फ्लक्स क्या क्या यूज हो रहे हैं, फ्लक्स जिसको हम लोग पेस्ट भी कहते हैं, पेस्ट या लेई बोलते हैं, सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, ये पूरे फ्लक्स का हो गया। इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी इस सोल्डरिंग से मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे मल्टीपल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे वाले वीडियो में। थैंक यू।